हाजिर वार्ड नंबर 70 सीधर का। आज यहाँ की जो क्षेत्रवासियों ने हमारा और हमारे सफाई कर्मचारियों का फूल वर्षा करके स्वागत किया है, मैं बहुत आभारी हूँ, उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो कि जी हमारा बहुत सहयोग भी कर रहे हैं सफाई व्यवस्था में, हमारे साथ मिलकर सफाई का सहयोग कर रहे हैं, सफाई में हाथ बटाकर। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो कि घरों में से कोई निकलना नहीं चाहता, मगर यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है वो हमारा सहयोग बराबर दे रही है और आज जो स्वागत किया है जो बहुत अच्छा लगा यहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा जो स्वागत हुआ है हमारा। मैं कर्मचारी सफाई वार्ड नंबर 70 से गली नंबर 5 में कार्य करने वाला हूँ। यहाँ के सभी वासियों ने हम लोगों के लिए हर तरीके की सहायता की है, हमारा साथ दिया है, जैसे कि हमको मास्क दिए हैं, हमें ग्लिप्स दिए हैं और हमें यहाँ तक कि कुछ सहमति दी है, खाने पीने की चीज़ें भी हमारी मदद कर देते हैं। तो हम कर्मचारी जो हैं कभी भी अपने परिवार को अपने इस गली में इस कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, लेकिन परिवार को हमें कुछ चीज़ें कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे हमें अभी दूरियां बना के रखनी है, 1 मीटर की दूरियां बना के रखनी है, अपने मुंह पे हमेशा मास्क रखना है, हाथों में हमेशा सैनिटाइज़र रखना है और अगर हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे या हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो ये महामारी की जो बीमारी है ये हमारे सभी भाइयों के बीच में आ सकती है। तो हमारे भाइयों के लिए और हमारे लिए सबसे बड़ी बहन सहमति यही है कि हमारा साथ दें और हर जगह हर देश हर प्रदेश में सभी भाइयों से सभी बहनों से कहना है हमारा कि अभी जो स्थिति गुजर रही है जो हम लोग गुजर रहे हैं जिस परिस्थिति से उस परिस्थिति का हमेशा नियम तरीके से उसे लागू रखें और हम इसी बीमारी से जब ही छुटकारा पा सकते हैं। शीतल का बीट नंबर 70 में अभी तैनात हूँ सफाई कर्मचारी के पद पर। यहाँ एक बहुत ही अच्छा प्रयास जनता का हमारे प्रति देखने को मिला। आज हमारे क्षेत्र की जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी छतों से हमारे ऊपर गुलाब के फूलों को बरसाकर अपना समर्थन और अपना स्नेह हमारे प्रति जताया और इसके साथ ही क्षेत्रीय जनता ने हमारे लिए संसाधन जैसे कि ग्लव्स हैं, मास्क हैं आदि चीज़ों का वितरण करते हुए हमारा समर्थन दिया और विश्वास करिए इस क्षेत्र की जनता इतनी अच्छी है कि साथ में ही हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ में पूरा सहयोग करती है, खुद अपने हाथों से सैनिटाइज भी करने लग जाते हैं, झाड़ू उठाकर हमारे साथ काम भी करने लग जाते हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है। साथियों इसी के साथ साथ एक मैसेज और आपको देना चाहूँगा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसको मानसिक और हर तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है, ये कोई मजाक नहीं है साथियों, ये कोई गली में सीमित नहीं है, किसी मोहल्ले में किसी शहर में नहीं सीमित है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो है काल बन के छाई हुई है, हर इंसान के लिए दुखदाई है। तो ऐसे में जब सरकार पूरी तरीके से अपने हर मुमकिन कोशिश पे उतर आई है तो भाई हमको भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कसम खानी है, हमें साथ देना है अपने क्षेत्र में आने वाले हर सरकारी कर्मचारी का जो हमारे लिए किसी न किसी चीज़ की जानकारी हमें दे करके जा रहे हैं। उसी के साथ में हमें जो निर्देश मिले हैं जैसे कि लॉकडाउन का पालन करना है, कम से कम 1 मीटर की दूरी पर जो है किसी भी व्यक्ति से संपर्क में आना है और आदि चीज़ें इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है, यही कारण है जिससे मैं अपनी और अपने लोगों की जान बचा सकता हूं।